This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, very good evening guys, welcome back to our channel Feenvest. उम्मीद है आप सभी के ट्रेडिंग डेज अच्छे जा रहे होंगे. अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने लिए सही स्टॉक चुनने में और अपनी ट्रेडिंग स्किल इम्प्रूव करने में. तो हमने जो लास्ट दिन ट्रेडिंग का था हमारा 26 फेब, उसके लिए हमने कुछ स्टॉक्स के लेवल दिए थे, आज उन्हीं का रिव्यू हम करेंगे और एट दी लास्ट में आपको 1 मार्च 2021 के लिए जो स्टॉक्स अच्छे रहने वाले हैं उनके मैं बात करूंगा. सबसे पहले यू बैंक हमने आपको दिया था, इसमें हमारा जो था ये जो स्टॉक था हमारी जो शॉर्ट सेलिंग प्राइस है उससे 3 या 4 पॉइंट नीचे ओपन हुआ. हालांकि मार्केट क्योंकि काफ़ी गिरा था उस दिन तो इसके कारण इसमें हमारी ट्रेड नहीं हो पाई. SBI कार्ड की मैं बात करूँ, इसमें हमारा जो था हालत की ये स्टॉक जो था गैप डाउन ओपन हुआ था, पर जो इसने हमारा जो गैप रिफिल कर लिया था. हमारी जो कंडीशन होती है बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में 1 मिनट का होल्ड, तो इसने यहाँ पे आके 1 मिनट का होल्ड ले लिया था. ये गया था 1110 तक और हमारा जो शॉर्ट सेलिंग प्राइस था वो था 1106 का. तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट सेलिंग का लेवल था और इसने यहाँ पे यहाँ जाकर होल्ड ले लिया था. तो 1 मिनट का होल्ड के बाद जब ये नीचे आया तो इसने आपके जो थे शॉर्ट सेलिंग साइड के टारगेट प्राइस इजीली अचीव कर लिए थे यहाँ पे आके एट दी एंड में. तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा शॉर्ट सेलिंग की साइड अगर आपने वेट किया होगा इसके गैप रिफिल होने का. 11 बजे तक इसका टाइम था, इसने 10 बजे ही अपना गैप रिफिल कर लिया था. टाटा कम्युनिकेशंस की मैं बात करूँ तो इसमें हमारा बाई साइड का एक ही टारगेट प्राइस अचीव हो पाया, क्योंकि देखिए हालांकि ये स्टॉक जो था काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ था उसके बाद इसने जाके हमारा बाई साइड का एक टारगेट प्राइस यहाँ पे जाके अचीव कर लिया था. 1100 पे से बाया करना था और 1105 का हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस था. हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर फर्स्ट टारगेट प्राइस आपका अचीव हो जाता है तो आपको अब जो स्टॉप लॉस उसे शिफ्ट कर देना फर्स्ट टारगेट प्राइस पे, ताकि आपने जो अर्न किया है वो आपसे जाए ना, तो वो चीज़ आपको काफ़ी मदद मिली होगी यहाँ पे. दूसरी चीज़ यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का जब लेवल ब्रेकआउट हुआ तो इसने भी आपको 2 टारगेट प्राइस तो ईजिली आपके टारगेट अचीव हो गए थे. अगला स्टॉक था हमारा, ये जो स्टॉक मैंने आपको दिया था ये था टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में 2 कॉल्स मैं वहीं प्रोवाइड करता हूँ. और ये आखिरी स्टॉक जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया था इसमें हमारे जो थे फर्स्ट टारगेट प्राइस हमारा यहाँ जाके इजीली अचीव हो गया था. शॉर्ट सेलिंग का लेवल इसने ब्रेकआउट नहीं किया, अगर आपने कुछ ना कुछ तो इससे अर्न कर ही लिया होगा, इसलिए मैं पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल देता हूँ ताकि अगर बाई चांस स्टॉक मूवमेंट ना दे पाए. अब इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो थे मूवमेंट तो इसने काफ़ी थी, पर ये बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन था, तो जितनी मूवमेंट आपको प्रॉफिट होना चाहिए था उतने मूवमेंट में इसने अपना सिर्फ गैप रिफिल किया. तो इसको भी हम कुछ नहीं कह सकते ऐसे स्टॉक को कि इसने मूवमेंट नहीं दी, इसने भी मूवमेंट अच्छी थी. कम से कम इसने 40-40 पॉइंट की मूवमेंट आपको दी, बट ये था कि ये गैप डाउन ओपन हो गया था. तो इसमें हमारा एक बाय साइड का एक ही टारगेट प्राइस अचीव हो पाया. अब चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे व्हाट्सएप की कॉल की, जो कि मैं मॉर्निंग में प्रोवाइड करता हूँ 400-700 की रेंज में. डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको भी ये लेवल्स चाहिए तो. मॉर्निंग में मैं प्रोवाइड करता हूँ. पहला था हमारा UPL जिसमें हमारा जो था बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन होने के कारण इसमें कोई ट्रेड नहीं हो पाई. अगला था हमारा हैप्पीएस्ट माइंड, इसमें देखिए पहले तो हमारी जो थी स्टॉक जो था गैप डाउन ओपन हुआ था, बट यहाँ जाके इसने अपना गैप रिफिल कर लिया था. गैप रिफिल करने के बाद शॉर्ट सेलिंग साइड का हमारा एक टारगेट प्राइस, दो टारगेट प्राइस यहाँ जाके इन्होंने अचीव कर लिए थे. उसके बाद जब ये बढ़ा, हालांकि जो मार्केट था वो गिर रहा था, बट ये जो हमारा स्टॉक था इसने बढ़ के आपको बाई साइड के 3 टारगेट प्राइस अचीव करके दे दिए थे, बल्कि 10 पॉइंट्स आपको और दिए थे. तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि इसमें आपको मिनिमम आपको 15-25 पॉइंट्स मिल जाते हैं बाइंग और शॉर्ट सेलिंग मिला के. अब 400-700 की रेंज में स्टॉक है, मिनिमम आपको 25 पॉइंट्स, मतलब 15-25 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं आप कितना अर्न कर सकते हैं. ग्रेफाइट की मैं बात करूँ, ग्रेफाइट में हमारा बाई साइड का एक और शॉर्ट सेलिंग साइड के 2 टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे. बाई साइड का एक यहाँ पे और शॉर्ट सेलिंग साइड के 2 टारगेट प्राइस, तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा. इसका जो हमारा आखिरी टारगेट प्राइस था वो था 76 का और इसने अपना जो लो बनाया वो 77 का बनाया, तो इसमें हमारा 1 पॉइंट हमारा थर्ड टारगेट प्राइस रह गया, वरना जो थर्ड टारगेट प्राइस था वो भी हमारा अचीव हो जाता. अगर GPIL की मैं बात करूँ तो इसमें हमारा जो था बाई साइड के 2 टारगेट प्राइस इसलिए अचीव हो गए थे, 41.75 समथिंग या फिर 41.55 समथिंग पे इसने अपना हाई बनाया, तो एक कुछ पॉइंट से हमारा फर्स्ट टारगेट सॉरी थर्ड टारगेट प्राइस रह गया. बट ठीक है, आपने अगर वहीं पे आपने ट्रेड से बाहर आ गए होंगे तो वेल एंड गुड, बट 3 टारगेट प्राइस लगभग हमारे अचीव हो गए थे GPL में. और शॉर्ट सेलिंग साइड में इसमें SL हिट हो गया था क्योंकि एट दी एंड इसने जाके अपना शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट किया था. स्टॉक था हमारा, इसमें तो हमारा स्टॉक जो था ये तो गैप डाउन ही ओपन हुआ था,
बट ये इस स्टॉक ने यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल करना था, तो इसने भी हमें अच्छा मोमेंट दिखाते हुए गैप रिफिल करते हुए हमारा जो था बाय शॉर्ट सेलिंग प्राइस के ऊपर 2 से 5 मिनट का होल्ड लिया था। उसके बाद ये जब डाउन आया तो आपके शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट प्राइस एट दी एंड जाके अचीव हो गए थे। अगर आप एट दी एंड तक आपने वेट नहीं किया था तो आपको 2 टारगेट प्राइस तो ईजिली अचीव हो गए थे। तो आप लाभ लगा सकते हैं कि 15 to 25 points आपको डेली अर्न कर सकते हैं आप 400 to 700 की रेंज में स्टॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा। बाकी की डिटेल वहीं डिस्कस करेंगे और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में 2 कॉल्स में वहीं पे प्रोवाइड करता हूँ। 1 मार्च 2021 की कॉल्स की हम बात कर लेंगे। सबसे पहला लेवल जो है हमारा वो है विनेटी ऑर्गेनिक्स, जिसे आप बाय करके चलेंगे 1408.50 पे। एग्जैक्ट 1408 पे बाय नहीं करेंगे, टारगेट रहेगा 1413, 1424 और 1438 का। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1395, यानी कि 1394.50 पे अपना स्टॉप लॉस हिट मान के ट्रेड से बाहर आएंगे। 1395 पे एग्जैक्ट अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं मानेंगे। सेलिंग के लेवल में मैं बात करूँ तो 1390 का शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा, यानी कि 1389.50 पे आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे। एग्जैक्ट इस वैल्यू पे शॉर्ट सेल नहीं करेंगे क्योंकि ये जो लेवल है ये ब्रेक होने के बाद ही आपको अच्छा मूवमेंट मिलता है। टारगेट रहेगा 1384, 1375 और 1365 का आखिरी टारगेट प्राइस रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1403, यानी कि 1403.50 पे आप अपना स्टॉप लॉस हिट मान के ट्रेड से बाहर आएंगे। एग्जैक्ट इस वैल्यू पे स्टॉप लॉस नहीं लगाने का रीजन ये है कि इस वैल्यू पे कभी बार स्टॉक जो होल्ड लेने के बाद दोबारा से बढ़ जाता है, बाई की साइड में बढ़ जाता है और शॉर्ट सेलिंग की साइड में घट जाता है। तो इसलिए इस वैल्यू पे एग्जैक्ट आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। गैप अप ओपन होगा तो बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में 11 बजे के अंदर अंदर आपको जो है गैप रिफिल का वेट करना है। बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में 1 मिनट का होल्ड लेगा वो 11 बजे के अंदर अंदर। जैसे ही वो होल्ड ले लेगा उसके बाद जो भी लेवल पहले ब्रेकआउट करेगा आप उसे कर सकते हैं। जैसे बाई का लेवल ब्रेकआउट करेगा बाय कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट करेगा शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक जो है 800 से कम का है, यानी कि जो शेयर प्राइस है उसकी 800 से कम है, तो आप उस स्टॉक में खाली 10:30 बजे तक वेट करेंगे, यानी कि 10:30 तक आप उसमें वेट करेंगे उसके गैप रिफिल होने का। अदरवाइज उस स्टॉक को छोड़ देंगे, इसमें भी 11 बजे तक वेट करेंगे, अदरवाइज उस स्टॉक को छोड़ देंगे। हमारा जो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन जरूर जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में 2 कॉल्स में वहीं प्रोवाइड करता हूँ। और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जहाँ मैं 400 to 700 की रेंज में स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ। जिनका मैंने आपको रिव्यू अभी दिया, आपने स्किप करके देखी वीडियो, तो आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं क्या उनका रिजल्ट रहा। 15 to 25 points डेली आपको मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा। बाकी जो स्टॉक रहेंगे वो 4 से 5 स्टॉक में प्रोवाइड करता हूँ 400 to 700 की रेंज में। अगला स्टॉक है हमारा मुथूट फाइनेंस, जैसा बाय करके चलेंगे 1310 का लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा। टारगेट रहेगा 1315, 1322 और 1335। स्टॉप लॉस रहेगा 1298। पहले स्टॉप जैसे ही टारगेट अचीव होता है पहला वाला, आप स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देंगे फर्स्ट टारगेट प्राइस पे, उसके बाद आप ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। और जब आपका लास्ट टारगेट प्राइस भी अचीव हो गया होगा तो आप सीधा जो लास्ट टारगेट प्राइस है जिसे फर्स्ट टारगेट प्राइस पे किया उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड टारगेट प्राइस पे शिफ्ट करने के बाद अगर स्टॉक और ज़्यादा बढ़ता है तो हल्के हल्के करके कुछ पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस शिफ्ट करते रहिए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल करते रहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1298 का और शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 1295। टारगेट रहेगा 1290, 1280 और 1270 का। इनमें भी लेवल्स ब्रेकआउट होंगे जैसे मैंने भी आपको समझाया है, वैसे इसमें भी होगा और टेलीग्राम चैनल में भी होगा और जो मैं व्हाट्सएप पे कॉल प्रोवाइड करता हूँ उसमें भी होगा। तो सेम रूल्स हैं सबके लिए। फर्स्ट टारगेट अगर पहली बार में आपका टारगेट अचीव हो जाता है दूसरी बार आपको कॉल नहीं लेंगे। पहली बार में स्टॉप लॉस हिट होता है दूसरी बार आप वो कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1307 का, ये लेवल है, इसको लेवल ब्रेक होते ही अपना स्टॉप लॉस जो है हिट मान के ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।